हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आपको सलाम कहता हूँ मेरे प्रियो, और मैं आनंदित हूँ आज के इस मंगलवार की प्रार्थना में कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ, एक बार फिर से आज आपसे वचन के द्वारा बातचीत कर सकूँ। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों पर आराम से हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं एक वचन आपको बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जिस वचन ने मुझे बड़ी आशीष दी। पाया जाता है नित्य वचन उसका 12 अध्याय और उसके 25वें पद में। मैं वचन आपसे शेयर करूँ, उसके बाद मैं आज शाम के वचन में जाऊँगा। इस बात को मैं आपके बीच में रखता हूँ। नित्य वचन उसके 12 अध्याय उसके 25वें पद में प्रभु कलाम कहता है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। मेरे प्रियो, हिंदी की बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। पर इंग्लिश की अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो ये लिखा है, एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेस डिप्रेशन बट अ गुड वर्ड मेक्स इट ग्लैड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चिंता, मन की चिंता मनुष्य को डिप्रेशन में ले आती है, परंतु और एक अच्छा वचन, एक उत्तम वचन मन को आनंदित कर देता है। मेरे प्रियो, सो आज मैं प्रभु के लोगों आपके लिए एक उत्तम वचन को लेके आया हूँ, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हो सकता है आज आप भी बहुत सारी चिंताओं में बैठे हों, हो सकता है बहुत सारी डिप्रेशन में आप बैठे हों, हो सकता है बहुत सारे मन की उदासी में आप बैठे हों, हो सकता है बहुत सारी तकलीफों में आज बैठे हों, पर विश्वास करिएगा, आज का जो वचन प्रभु ने दिया है ये आपके मन को आनंदित कर देगा, ये आपके मन को तसल्ली देगा, ये आपके मन को शांति देगा। मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं कि चिंता ना करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें और चिंता ना करें। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको अनुग्रह देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 26वां पद इस प्रकार से कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना खत्तों में, ना वो काटते हैं ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए उन पक्षियों को जो कोई परिश्रम नहीं करते, फिर भी आपका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। सो वही परमेश्वर आपकी भी चिंता करता है, वही आपके प्रति एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। आज हो सकता है आपके जीवन की चिंता आपको दबा रही हो, आपके मन को उदास कर रही हो मेरे प्रियो, पर आज प्रभु के वचन से मैं एक जगह से आपको बातों को बताना मांगता हूँ। मेरे प्रियो, नूह के जीवन से आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा कैसा महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप नूह के जीवन को देखेंगे, जब आप वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, तो आपको समझ में आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह को कहा कि अब से 7 दिन के बीतने पर मैं 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा। नूह, आप जहाज में जाओ, अपने साथ प्राणियों को भी लो और पशुओं को भी लो, अपने परिवार को लो और उसी जहाज के भीतर चले जाओ। वचन बताता है मेरे प्रियो कि वर्षा आरंभ हो गई, जल के सोते फूट निकले, चारों ओर बस पानी ही पानी था और नूह और उसका घराना परमेश्वर के साथ जहाज में था। परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद किया और नूह के परिवार को भीतर रखा। दिन बीतते चले गए मेरे प्रियो और जहाज ऊपर उठता चला गया और वचन बताता है कि चारों ओर प्राणियों का नाश हो गया। मेरे प्रियो, आप नूह के जीवन को देखिएगा, कितनी अद्भुत सी बात है। नूह को परमेश्वर ने नाव के भीतर जाने के लिए कहा, जहाज के भीतर जाने के लिए कहा, पर उसे ये नहीं बताया कि इसके आगे क्या होगा। बस इसी समय परमेश्वर ने कहा कि तुझे नाव के भीतर जाना, नूह उसके भीतर चला गया। मेरे प्रिय, सोच के देखिए, 40 दिन 40 रात वर्षा होती रही, नूह जहाज के भीतर बंद था। आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, जानवरों की बदबू से आती होगी, जानवरों के साथ समय उसे बिताना पड़ता होगा, उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, उनके भोजन की सारी चीजें
वो तैयार करता होगा। मेरे प्रियो, नूह जब जहाज के बाहर खिड़की से झांकता होगा, उसे नजर आता होगा सिर्फ पानी ही पानी, उसे नजर आती होंगी सिर्फ तैरती हुई लाशें ही लाशें, उसे चारों ओर तबाही ही दिखाई देती होगी। मेरे प्रियो, वो जब भी देखता होगा उसे चारों ओर भयानक मंजर नजर आता होगा। आप कल्पना करके देखिए, उसे अपने परिवार की चिंता सताती होगी, उसे भोजन की चिंता भी शायद सता रही होगी कि कैसे होगा, कितने दिन हमें जहाज के भीतर रहना है हमें नहीं मालूम है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताता है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन का भी यही हाल हो, आपको भी अपने परिवार की चिंताएं सता रही हो, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कैसे सारे पालन पोषण होंगे, कैसे जरूरतें पूरी होंगी। हमारी परिस्थिति भी शायद आज हमें ऐसी ही नजर आती हो। बाहर जब हम देखते हो तो हमें मृत्यु की चर्चाएं सुनाई देती हूँ कि आज वायरस से इतने लोग मर गए हैं, आज ऐसे ऐसे वायरस फैल रहा है, इतनी संख्या बढ़ चुकी है। हमारे जीवन में सिर्फ बेचैनी को पाते होंगे, चिंताओं को, तकलीफों को पाते होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हियाव बांधिए, दृढ़ हो जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब आप उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधी ली। मेरे प्रियो, इस बात ने मुझे बहुत आनंद दिया और ये आज आपके लिए ये वो उत्तम वचन है जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने नूह की सुधी ली, परमेश्वर जानते थे नूह को उन्होंने जहाज के भीतर रखा है और अब उसको वापस से उसकी आशा में लेके आना है, उसे जीवन में लेके आना है। मेरे प्रियो, वचन बताता है परमेश्वर ने नूह की और न सिर्फ नूह की वरन सारे पशुओं की भी सुधी ली। वही परमेश्वर आपकी सुधी लेता है, वही परमेश्वर आपकी चिंता करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप कल्पना करिए, नूह जब जहाज को देखता होगा, बाहर झांकता होगा, जब उसे भयानक मंजर नजर आते होंगे, जब बाहर भयानक चीजें बाहर नजर आती होंगी, दृश्य घबरा देने वाले होते होंगे, तो वो भीतर जाके सिर्फ एक बात कहता होगा, मालूम है, वो अपने परिवार के साथ घुटने देखता होगा, उसके पास एक ही काम होगा कि वो प्रार्थना करता होगा और प्रभु का धन्यवाद करता होगा कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मालूम है, वो वचन जो विलाप गीत में है उसे याद आता होगा, वो कहता होगा कि प्रभु हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चाहे बाहर कैसा भी मंजर हो, चाहे कितना भी शोर हो, भयानक परिस्थितियां हो, भयानक बातें हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, हम नाश नहीं हो गए, ये परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो। और वही दया आज मुझे और आपको शांति देती है, आज वही अनुग्रह का हाथ मुझे और आपको शांति तसल्ली देता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब वो जाता होगा, प्रार्थना करता होगा, नूह कहता होगा परमेश्वर धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे जहाज के भीतर रखा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह जहाज के भीतर रखा है। सिंबल है जहाज यीशु मसीह का, नूह का जहाज सिंबल था यीशु मसीह का मेरे प्रियो। आज उसी जहाज के भीतर मैं और आप पाए जाते हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चाहे दिन कितने भी बढ़ रहे हो, चाहे आप कितने भी भीतर समय से रह रहे हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु पे विश्वास रखिए, वो आपकी सुधी लेगा, वो आपकी सुधी लेगा, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वो जहाज यीशु मसीह को प्रकट करता है, अब आपके जीवन जब उसमें पाए जाते हैं तो निश्चय जानिएगा कि आप सुरक्षित हैं, आप सिक्योर हैं, आप सेफ है मेरे प्रियो। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज वो यीशु मसीह रूपी जहाज में जब आपका जीवन है तो आपको किसी बात से बहकाने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। पर वहां पे भी कुछ ऐसे जीवन थे, उस समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नूह की बातों का भरोसा नहीं किया, उन्होंने नूह की बातों पे विश्वास नहीं किया और उस जहाज के भीतर नहीं आए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो जीवन ऐसे हैं जो यीशु मसीह जहाज जो उनके लिए तैयार किया गया है, जो परमेश्वर ने तैयार किया है कि उसमें जब वो आ जाएंगे तो उनको सुरक्षा मिलेगी, उन्हें तसल्ली शांति मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, यदि वो विश्वास नहीं करते
प्रभु का वचन कहता है जैसे वो लोग नाश हुए वैसे ही वो लोग भी नाश होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, जब आप उसके घर के अधिकारी हो जाएंगे, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की, किसी भयानक परिस्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। यहोवा परमेश्वर आपकी सुधी लेगा। उसने पुराने नियम में जब आप देखेंगे निर्गमन में वचन बताता है कि जब महामारी की चर्चा हुई, जब वो दूत मृत्यु का घरों में से नाश करने लगा, पर उन घरों को वो हानि नहीं पहुंचाने पाया मेरे प्रियो, जिन पे लहू की छाप पाई गई थी, जो उस घर के भीतर थे, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब आप उसके भीतर रहो तो अपने द्वारों पे, अलंगों पे उसका लहू लगाना, तो जिन घरों पे वो लहू की छाप को देखेगा वो दूत उस घर को छोड़ जाएगा। मेरे प्रियो, आज भी वही है, आज भी वैसे ही मेरे और आपके जीवन में है। जब हम यीशु मसीह की लहू की छाप के भीतर पाए जाते हैं तो हमारा जीवन भी बच जाता है। मेरे प्रियो, आपको निराश नहीं होना, आपको चिंतित नहीं होना, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने इन सब की सुधि ली, वो आपकी सुधि लेगा। वचन बताता है भजन संहिता उसके 65:9 में कि वो भूमि की सुधि लेकर उसे सींचता और उसे फलवंत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, वो आपको सींचेगा, वो आपको फलवंत करेगा, वो दोबारा से आपको खड़ा करेगा। आज परिस्थितियां भयानक हैं, आज तकलीफें हैं, लेकिन विश्वास रखिए, प्रभु आशा आपको देना चाहते हैं, वो आपको एक नई उम्मीद में लेके जाना चाहते हैं। जब वो इस संपूर्ण जगत को क्लीन कर देंगे, उसके बाद वो आपको एक नई आशा में प्रवेश कराएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए रिवाइवल के साथ आप प्रभु की बरकतों में बढ़ने पाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास करें। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप सच में महान परमेश्वर है। प्रभु आप ही हैं जो हमारी सुधि, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते न काटते न खत्तों में इकट्ठा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रभु जब आप पक्षियों को खिलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप हमें भी खिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। पिता हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज दुनिया भले ही भय में जी रही हो, आज भले ही दुनिया में त्राही त्राही की खबरें हो प्रभु, लेकिन तेरे लोग तेरी सुरक्षा को पा रहे हैं, तेरे लोग प्रभु यीशु विश्वास के साथ आगे हैं, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु मैं इस घड़ी में उन लोगों के निमित्त प्रार्थना करना चाहता हूं पिता, जो इस घड़ी में चिंताओं में बैठे हुए हैं, आज ये उत्तम वचन उनको आशा दे प्रभु, आज ये उत्तम वचन जो तेरे वचन से आया है प्रभु, उनके जीवनों में नई आशा को डेल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदल जाए यीशु आपके नाम में। प्रभु इसी घड़ी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये बीमार चंगे हो जाए, ये तकलीफें निकल जाए प्रभु जी। पिता जो इस समय कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं प्रभु, भूख के मारे जूझ रहे हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, यीशु आपके नाम से मैं कमांड करता हूं कि वो सारी तकलीफ उनके जीवन से निकल जाए प्रभु, उनकी हेल्थ को रिस्टोर्ड होने के लिए प्रार्थना करता प्रभु, मैं प्रार्थना करता आप उनके जीवन में अद्भुत शांति सुकून दे प्रभु, उनकी सुधि ले, और प्रभु जैसे आपने नूह के जीवन में काम किया वैसे ही इनके जीवनों में काम करें प्रभु, ये आपके जहाज में प्रवेश कर सके प्रभु, जो आपने यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु, जिसने क्रूस पर जान दी, जो मृतकों में से जी उठे प्रभु, और आपने कहा जो उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि अपने पुत्र का ये वायदा जो आपने किया है प्रभु, अपने लोगों के जीवन में पूरा करें प्रभु, अनंत जीवन का वारिस बनाए, उनके जीवनों को सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। प्रत्येक जन को मैं आपके हाथों में देता हूं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन।